मैं इसको वापस से फर्स्ट गियर में पिक करके दिखाता हूँ। तो इस गाड़ी को सीएनजी पे रखा है और सिर्फ क्लच पे चढ़ाएंगे। यहाँ पे सेकंड गियर में थोड़ा इनिशियली यहाँ पे बहुत सेकंड गियर पे मैं पेल रहा हूँ गाड़ी को, ठीक है। अभी देखो 82-84 मैं पहुंच गया था। बाकी इंजन की जो नॉइज है वो तो मैं आपको सुना चुका हूँ कि मतलब आज तक नहीं हुई, और लोगों को सबसे बड़ी मार ही इस चीज की थी जब अभी मैं देखो एसी पे चल रहा हूँ, मैंने सीएनजी पे चल रहा हूँ। तो और बहुत लोग ना भाई ये सवाल करते हैं कि क्या हम इस किट को फिट करवा सकते हैं अपनी गाड़ी। काफी क्लोज रिफाइनमेंट रखी है दोनों मोड्स में, पेट्रोल और सीएनजी। तो यस, यहाँ पे बैठ गए हम लोग पंच में, ठीक है। अब इस गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये हो गई, और एक चीज सही है कि डायरेक्ट सीएनजी में भी स्टार्ट हो जाती है अगर इसको करना चाहो तो। ये काफी सही चीज है क्योंकि एक आदत सी हो जाती है ना यार हमें, जब सीएनजी गाड़ी लेते हैं पेट्रोल ना के बराबर रखने के लिए कि मतलब सिर्फ स्टार्ट हो जाए, तो ये उन टाइम पे काम आ जाएगा कभी मतलब एकदम भूल जाए और एकदम गाड़ी पेट्रोल है ही नहीं। तो सीएनजी में स्टार्ट करने के लिए एक चीज बढ़िया है। यहाँ पे एक चीज़ है ना इस गाड़ी में काफ़ी कमाल की, ये है कि मतलब अगर को ड्राइवर डोर है या फिर ड्राइवर्स डोर है, ठीक है, अगर वो किसी भी तरीके से ओपन रह जाता है तो यहाँ पे ये एक आपको अलर्ट देती है कि को ड्राइवर डोर ओपन है या ड्राइवर डोर ओपन है, ऐसा चीज़। अभी जैसे कि हम थोड़ा वो डोर खोलते हैं, भाई वो डोर खोलो थोड़ा सा और लगा दो, हाँ बस। अब जैसे कि वो डोर खुला है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं गाड़ी को ड्राइव करूँगा और तुरंत ये बोलेगी, आप सुनो बस। ड्राइवर डोर ओपन प्लीज चेक। सुना आपने, ऐसे ही सेम चीज ये ड्राइवर साइड के लिए भी बोलती है, कर लो बंद। तो ये है वही सीएनजी पावर की जो मैं यहाँ पे पहले बात कर रहा हूँ, 73 पीएस की पावर ये गाड़ी जनरेट कर रही है, ठीक है। नॉर्मल जो पेट्रोल में अगर आप इसको चलाते हो तो 87 की पावर जनरेट कर रही थी, और वहीं पर टॉर्क में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है ये कि ये 102 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क सीएनजी में दे रही है और वहीं पर जो पेट्रोल में दे रही थी कुछ 115 का टॉर्क दे रही थी। अब फ़र्क पेट्रोल और सीएनजी में टॉर्क वाइज या पावर वाइज है, बट ये सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल इंजन के साथ है। ये जो फिगर्स मैंने आपको बताया इसका जो डायरेक्ट राइवल हो गया जैसे एक्सटर वगैरह ये सब, तो उनसे ज़्यादा पावरफुल है जब बात पावर और टॉर्क की आएगी। अब भाई टाटा पंच पिछले 1-1.5 साल से चला रहा हूँ तो इस गाड़ी को जानता हूँ इन एंड आउट, क्या हिसाब है इसका। यहाँ पे अभी सीएनजी पे जैसे ही मैं इसको चला रहा हूँ, ये फर्स्ट गियर पे अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो इनिशियली फर्स्ट गियर में जब मैं पेट्रोल पे अपनी गाड़ी चलाता हूँ या इस पर्टिकुलर व्हीकल को भी मैं पेट्रोल में जब चलाता हूँ फर्स्ट गियर पे, सो पावर दोनों तरफ सीएनजी में भी फर्स्ट गियर पे चलाने पे ना पावर आता है फर्स्ट गियर पे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पावर नहीं आ रहा है, बट जो थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है ना वो आता है आवाज़ का कि सीएनजी पे। ये देखो मैं इसको वापस से फर्स्ट गियर में पिक करके दिखाता हूँ, तो एकदम हायर आरपीएम पे ले जाना या फिर इनिशियली भी थोड़ा आवाज यहाँ पे पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा आपको सुनाई देगा। सो भाई अभी मैं टाटा पंच सीएनजी में हूँ, ठीक है, ये इसका टॉप मॉडल है। अभी इस गाड़ी को ना ये जो स्लोप देख रहे हो अभी आप सामने, अच्छा खासा स्लोप है, तो इस गाड़ी को सीएनजी पे रखा है और सिर्फ क्लच पे चढ़ाएंगे यहाँ पे। चलो भाई एक्सेलरेशन यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ क्लच पे चढ़ रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हैं इट बिकॉज काफ़ी इंक्लाइंड है ये, बट स्टिल रिस्पॉन्स देखो आप, बहुत सही, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको मतलब सेकेंड गियर में मैं अभी जैसे कि इसको चला रहा हूँ तो इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ा लैग है, ठीक है। मैं कंपैरिजन इसका किसी और गाड़ी से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसके पेट्रोल मोड से ही कर रहा हूँ जो इसका सीएनजी मोड है, ठीक है, कंपैरिजन उसी से कर रहा हूँ। और सेकंड गियर में थोड़ा इनिशियली यहाँ पे थोड़ा सा लैग है, फिर जैसे ही आपका आरपीएम इनिशियली इंक्रीज होता है तब पावर आना यहाँ पे चालू हो जाता है। सो अगर सिटी यूज़ के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो यार देखो सिटी यूज़ में तो आपके सारे ये काम करेगी,
अब इसमें एक फायदा ये है कि सेफ्टी के साथ साथ ना आप समझो ऐसे आउट स्टेशन भी करते हो वगैरह, और सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी हो जाती है ना, तो उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो कि ठीक है इस गाड़ी को आप डेफिनेटली ले सकते हो, कि मतलब ये बैलेंस्ड है प्रॉपरली। सिटी यूज देख लो या फिर आप इसको देख लो अपना वो हाईवे पे यूज करना है। एंड और एक चीज जो कमाल की इस गाड़ी में जो किसी ने नहीं किया, सेगमेंट लीडर जो है सीएनजी का, जो बोलते हैं ना राज कर रहा था इतने सालों से, जो मारुति हो जाता है, आपको इस साइज की गाड़ी में सीएनजी के साथ कहां पे आज तक डिक्की मिली या कहां पे आपको जगह मिली, बट इस गाड़ी में आपको मिल गई जगह। बूट स्पेस जो इसमें आता है 210 लीटर का सीएनजी टैंक होने के बावजूद, उसमें भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं स्पेयर व्हील को लेके या फिर फ्यूल टैंक को लेके, सेम 37 लीटर्स का। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि रेवोल्यूशनरी चीज है, कि मतलब आज तक नहीं हुई। और लोगों को सबसे बड़ी मार ही इस चीज की थी जब वो सीएनजी गाड़ी लेने जाते थे। अब लोगों को सीएनजी गाड़ी अगर आप ऑनेस्टली देखते हो, ज्यादातर वो बाय करते हैं कि भाई जिनको खर्चे कम चाहिए, ठीक है, रोज का ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलिंग है उनको खर्चे कम चाहिए, उनका बजट भी लो होता है। तो उस पॉइंट से अगर आप सोच के देखते हो तो मार्केट में फिर है ही नहीं ना जो इतने सारे प्रॉपरली चीजों में बैलेंस्ड रखती है इसमें, तो ये बढ़िया हो जाती है। बाकी अपना जो फोर्थ अपना थर्ड गियर है, फोर्थ गियर है, वो सेम एज इट इज़ है जो आप पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हो ना, सेम आपका यहाँ पे रिस्पांस रहने वाला है। सिर्फ सेकंड गियर में थोड़ा इनिशियली आपको है ना थोड़ा लैग होगा। बाकी इंजन की जो नॉइज़ है वो तो मैं आपको सुना चुका हूँ। अभी मैं देखो एसी पे चल रहा हूँ, मैंने सीएनजी पे चल रहा हूँ, बिल्कुल वैसी ही फील हो रही है जैसे मैं अपनी पंच इतने टाइम से चलाता आया हूँ इस गाड़ी को। हाँ थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा ऐसे फर्क पता चलता है कि हाँ भाई अब तू गाड़ी सीएनजी में चला रहा है, अब तू गाड़ी पेट्रोल में चला रहा है, बहुत माइन्यूट सा फर्क लगता है। आगे भी मैं एक पिकअप लेके देखता हूँ इसका क्या है, इसका प्रॉपर फर्स्ट सेकंड गियर इसका यूज करते हैं और किस हिसाब से ये स्पीड का रिस्पॉन्स दे रही है वो भी देख लेते हैं। एंड बढ़िया चीज पता है क्या हो गई इस पंच सीएनजी में जो इंट्रोड्यूस हुई है, कुछ चीजें वो बहुत काम की हुई हैं, जैसे कि आप प्रॉपर लॉक बटन दे दिया, अनलॉक बटन दे दिया, यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया, यहाँ पे अनलॉक कर दिया, सीएनजी का स्विच यहाँ पे, और इसमें एडवांस ईसीयू सिस्टम है, सीएनजी से पेट्रोल में, पेट्रोल से सीएनजी में स्विच हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा इस चीज का, तो ये एडवांस ईसीयू सिस्टम वहां काम आता है, सीएनजी में स्टार्ट हो जाती है। आर्मरेस्ट दे रखे हैं भाई टाटा के ऑफिशियल जेन्युइन एक्सेसरीज में ना, मैं बता रहा हूँ टियागो और टिगोर जो इसके नीचे की गाड़ियां हैं, ठीक है, उनमें आर्मरेस्ट एक्सेसरीज में दिया जाता है, पंच का नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज उनका जो सेंटर कंसोल है पीछे बॉटल होल्डर के साथ आता है, पंच का यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलते हैं छोटे छोटे, तो इसमें जेन्युइन एक्सेसरीज आई नहीं थी। मैं खुद एक साल से ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब आर्मरेस्ट मिल जाए, बट यहाँ पे जो सीट में इंटीग्रेट करके दिया है ना ये आर्मरेस्ट, ये काफी सही चीज है। अब देखो मेरा हाथ है ना मस्त अपना गियर पे मैंने ऐसे रखा है, पहले क्या होता था कि मतलब ऐसे लटका रहता था हाथ, ठीक है, अब ये और थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है। और सबसे जो बेहतरीन चीज पंच सीएनजी में करी गई है कि ये वाली जो लाइट है इसको इतना बड़ा कर दिया, पहले इतनी सी लाइट आती थी और उसमें ऑफ बटन भी नहीं आता था, बट अब ऑफ बटन के साथ है और वाइट एलईडी में मिल जाती है। अगर मैं विजुअल्स की बात करूं, देखो बॉनेट लाइन विजिबल है, आपको दिख रहा है सामने कौन है कौन नहीं है, तो बेटर एक जजमेंट मिल जाता है। ये जो ए पिलर है वो भी इतना माइंड नहीं होता कि मतलब वो थिक नहीं है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ा गैप है ORVM और अपना ए पिलर के बीच में, तो आपको एक विजिबिलिटी वहां पे भी मिल जाती है कि भाई कोई जगह वहां पे पर्सन वर्सन है कि नहीं, बाकी तो आप ऐसे आगे पीछे कर ही सकते हो। ऐसे इस गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा कहाँ चलाया जाएगा, ऐसे ही ट्रैफिक में चलाया जाएगा, ठीक है, हाईवे पे तो ठीक है, ये देखो फर्स्ट, ये सेकंड। अब ट्रैफिक की वजह से तो मैं पिक नहीं कर पा रहा, बट स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेकंड गियर में हूं और ये थर्ड गियर। भाई सही बता रहा हूं, मुझे सच में नहीं लग रहा कि मैं इस गाड़ी को सीएनजी पे चला रहा हूं। जब एक सर्टेन स्पीड गेन कर लेता हूं, समझ रहे हो, इनिशियली लोअर गियर्स में वो फील होगा, बट एकदम हाई स्पीड अपने समझो 40 की स्पीड आपने क्रॉस कर ली, नहीं पता चलेगा कि गाड़ी तुम सीएनजी में चला रहे हो या पेट्रोल में चला रहे हो। अच्छा यहां पे इसको रिफाइंड रखा है, बहुत सेकंड गियर पे माइन्यूट लैग है भाई, यहां मैं पेल रहा हूं गाड़ी को, ठीक है। अभी देखो 82-84 मैं पहुंच गया था, तो यार रिस्पांस अच्छा है। और BS6 फेस 2 इंजन है, वैसे ही आपके जो NVH लेवल्स इसमें जो वाइब्रेशंस हार्शनेस ये सब थी ये भी कम महसूस हो रही है इसके हिसाब से।
बाकी भाई इतने टाइम से जो मैं अपनी पंच यूज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हाँ मुझे भी महसूस हो रहा है यार, मेरी डेली की रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली। तो मेरे को भी महसूस हो रहा है यार, अपने टाइम पे ये गाड़ी क्यों नहीं आई। मतलब मेरे टाइम पे मैं बता रहा हूँ, अगर पंच सीएनजी इंट्रोड्यूस हो गई होती ना, मैं डेफिनेटली इसी गाड़ी को लेता। बिकॉज सही बता रहा हूँ, पिछले एक साल में ना मुझे वो पूरा का पूरा 366 लीटर का जो बूट स्पेस है वो कभी इतना काम भी नहीं आया, पूरा का पूरा अगर मैंने यूटिलाइज किया हो। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, तो अगर मैं ये भी लेता ना तो 210 लीटर मोर देन इनफ हो जाता मेरे लिए। और रनिंग इतनी ज़्यादा है कि फिर वो सीएनजी वाला पार्ट है ना, एक काफ़ी ईज कर देता है तदा। और बहुत लोग ना भाई ये सवाल करते हैं कि क्या हम इस किट को फिट करवा सकते हैं अपनी गाड़ी में, तो भाई नहीं हो सकता ये चीज़, बिकॉज वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कुछ है पूरा अंदर के अंदर ही होता है, कुछ भी ऐसा एक्सपोज नहीं है कि आप मतलब बॉनेट खुलवा के सीएनजी वहां से भरा रहे हो वगैरह। प्रॉपर इसका फ्यूल लिड में है प्रोसेस, और जो दो मिनी सिलेंडर इसमें यूज़ किए हैं 30-30 लीटर के, तो वो हिसाब से वो चीज़ पॉसिबल नहीं है टेक्निकली। और अगर होती भी तो यार वो बहुत कॉस्टली हो जाती। अब आप खुद सोचो, मेरे हाथ में होता है अगर ये चीज़ पॉसिबल होती, मैं तो पहला इंसान होता कि अपनी पंच में वो चीज़ को कन्वर्ट करा लेता। बाकी एक चीज़ है कि मतलब यार अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है, ठीक है, अब पेट्रोल वाली अकम्प्लिश्ड जो वेरिएंट है आप उसको कंपेयर करते हो इस सीएनजी अकम्प्लिश्ड से, ठीक है, ये डीजल के साथ है बाय द वे, टॉप मॉडल ही है यार, 95,000 रुपीज़ का फ़र्क है प्राइसिंग में। वो जो पेट्रोल वाली है 95,000 रुपीज़ कॉस्टली है। अब यहाँ पे जो दो फीचर्स निकाले हैं, मतलब जैसे क्रूज कंट्रोल निकाल दिया, फिर उसके बाद सिटी एंड जो आपका इको मोड आता था वो निकाल दिया, ठीक है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप इसमें से निकाल दिया, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं क्रूज कंट्रोल रहना चाहिए था, बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट मेरे को ऐसा फील होता है वो रहना ही चाहिए था। अब एक और यहाँ पे मैं चीज़ ये बोलूँगा, इसमें सनरूफ भी है, और सनरूफ काफ़ी सही है इसमें, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ है, तो आप अपनी आवाज़ के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हो, जैसे कि हिंदी कमांड्स हो गए, इंग्लिश कमांड्स हो गए, या फिर इंग्लिश जो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं खोल के दिखाता हूँ आपको ये चीज़, सनरूफ खोल, ओके सनरूफ खोल रहे हैं, यहाँ पे ये सनरूफ इसने खोल दी। अब अगर इसको बंद भी करना है, सनरूफ बंद कर दो, जरूर सनरूफ बंद कर रहे हैं। सो कैसा है कि आप इससे इंग्लिश में बात करोगे, ये आपको रिप्लाई इंग्लिश में करेगी, आप इससे हिंदी में बात करोगे तो या हिंदी में आपको रिप्लाई करेगी, जैसे कि बोला जरूर सनरूफ बंद कर रहे हैं। थोड़ा प्रोसेस यहाँ पे स्लो है जिसको फास्ट किया जा सकता है, अदर देन दैट तो यार ठीक है, कितने ही दिन आप आवाज़ से खोल लोगे, यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स तो दे रखे हैं। बाकी यार एक चीज़ सही है कि मतलब ट्रैफिक में ना आराम से सीएनजी पे ही आप आराम से इसको यू नो भगा सकते हो, इस हिसाब से जो काफ़ी क्लोज रिफाइनमेंट रखी है दोनों मोड्स में, पेट्रोल और सीएनजी, ये काफ़ी सही है। फीचर में इसमें सी टाइप पोर्ट भी दे दिया चार्जिंग के लिए, और बीच में सेंटर कंसोल जो है उसमें ए टाइप यूएसबी दे दिया, जो आपका बीच में 12V का सॉकेट आता था ना वो 12W का सॉकेट आगे भी दे रखा है। नहीं है सिटी यूज़ के हिसाब से एकदम परफेक्ट है यार, मतलब डिक्की विक्की मिल गई, अपना रोज़ सामान ऑफिस वगैरह जाते हो, सामान पीछे डिक्की में आप अपना रख ही सकते हो, ऑफिस जाने का तो ठीक है, कभी बैकपैक वैकपैक आपको सिटी टू सिटी ट्रैवल करना है, आप एक सूटकेस रखोगे दो सूटकेस रखोगे उतना तो आ जाएगा उसकी डिक्की में, ठीक है, एक मीडियम साइज सूटकेस की, कैबिन बैग की मैं बात कर रहा हूँ। बट बाकी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से देखते हो, सेफ्टी है, डिक्की है वगैरह जो मैंने आपको बताया, जो कि काफ़ी सही बैठ जाता है एक एवरीडे यूज़र सिटी के हिसाब से, एक जो लो कॉस्ट रनिंग व्हीकल देख रहा है, सीएनजी में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। सो आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड अगर आपके कुछ भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ भी सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हो टाटा की कोई भी गाड़ी लेने का, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सीएनजी व्हीकल हो, या फिर आप पेट्रोल डीजल अपनी हैरियर या सफारी हो जाती है, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लो, पुनीत के मैं नंबर्स दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये वही शोरूम है जहाँ से मैंने खुद की अपनी पंच बाय करी थी आज से 1.5 साल पहले, आप खुद यहाँ से पंच बाय कर सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ऑफर्स डिस्काउंट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम चलते रहते हैं यहाँ पे, सो जो भी एप्लीकेबल होगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। सो याद से कॉन्टैक्ट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।